वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल, मैं राकेश कुमार। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ स्टार प्लस चैनल के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टार प्लस की गिरती टीआरपी को देखते हुए स्टार प्लस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जहाँ स्टार प्लस ने कदम बड़ा उठाया है, वहीं ग्राहकों को भी मिलने वाला है बहुत अच्छे कंटेंट्स। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे में रेड कलर का बटन बना हुआ सब्सक्राइब पे, उसके क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों बता दूँ, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से सभी पेड चैनलों पर रिपीट कंटेंट ही दिखाए जा रहे हैं। जहाँ दूरदर्शन पर रामायण की शुरुआत हुई थी तो दूरदर्शन पर लगभग 50% व्यूअरशिप इंक्रीज हो गया था, और जैसे ही रामायण ख़त्म हुआ 46% व्यूअरशिप डाउन हो गया है। तो दोस्तों बता दो, स्टार प्लस ने भी सेम वही रुख अपनाया है। जहां स्टार प्लस ने पहले शुरू किया था महाभारत सीरियल को, अब स्टार प्लस ने रामानंद सागर जी वाला, जी हाँ दोस्तों पुराना वाला रामायण जो डीडी नेशनल पर अभी अभी आपने देखा है, सेम रामायण अब स्टार प्लस चैनल पे भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि स्टार प्लस की तरफ से ये प्रोमो चलाना शुरू कर दिया है कि बहुत जल्द रामानंद सागर कृत वाला जो है रामायण की टेलीकास्ट की जाएगी स्टार प्लस पे, बट अभी तक टाइमिंग उसका नहीं बताया गया है। अब ये देखना ये होगा कि किस दिन और किस समय स्टार प्लस पे टेलीकास्ट करेंगे वो लोग। अभी प्रोमो में बस इतना ही दिखा रहा है, जल्द आएगा रामानंद सागर जी वाला रामायण ओनली ऑन स्टार प्लस, ऐसा प्रोमो आना स्टार्ट हो गया। इवन मेरे पास भी प्रोमो आया लोकल चैनल पे चलाने के लिए। डेट्स में आई एम टेलिंग टू यू गाइस कि स्टार प्लस पे भी रामायण की शुरुआत होने जा रही है। बेसिकली देखा जाए तो रामायण अभी भी सब लोगों ने डीडी नेशनल चैनल पे देखा ही है, अगर जो लोगों ने नहीं देखा है वो स्टार प्लस पे भी देख सकेंगे, क्योंकि स्टार प्लस ने भी रामायण की शुरुआत करने की पूरी कोशिश कर दी है। तो बेसिकली भैया मुद्दा ये है कि जो स्टार रामायण की वजह से डीडी नेशनल चैनल की टीआरपी हाई हुई थी, तो सेम फंडा यहाँ पे स्टार प्लस ने भी लिया है कि अगर स्टार प्लस पे रामानंद सागर वाला ही अगर रामायण दिखाया जाए तो वहाँ पे व्यूअरशिप थोड़ी बहुत इनकी इंक्रीज हो सकती है, जिससे कहीं ना कहीं चैनल को ही फ़ायदा होने वाला है। तो ये अपडेट आया था दोस्तों, उम्मीद है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।